नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दैवीय शक्तियाँ वो पवित्र शक्तियाँ वो पराशक्तियाँ होती हैं जिनकी कृपा जब एक व्यक्ति के जीवन में हो जाती है तो व्यक्ति का पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। ऐसी ही पराशक्ति आदिशक्ति है माँ दुर्गा, जिनकी कृपा जब एक व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वो हर दर्द हर संकट भूल जाता है। जब माँ के भक्तों को ममता की जरूरत होती है तो वो परम प्रिया माँ पार्वती बन जाती है। जब उनके बच्चों को प्राणों का संकट उत्पन्न होता है तो माँ काली का रूप धारण कर अपने बच्चों को हर संकट से मुक्त करती है। और जब जगत अत्याचारियों के अत्याचारों से त्रस्त हो जाता है तो महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। सर्वत्र व्याप्त है माँ की शक्ति। जिस प्रकार बिजली के तार में करंट होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष छुपा हुआ है लेकिन नजर नहीं आता, उसी प्रकार ये सारा चराचर जगत आदि शक्ति माँ दुर्गा के तेज से उनके आलोक से ऊर्जित होता है। इसी प्रकार माँ दुर्गा अपने भक्त के हृदय में उसके घर में साक्षात विराजती हैं, साक्षात निवास करती हैं और कहती हैं, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों की, कुछ ऐसे अनुभवों की जो यदि आपको हो रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा साक्षात आपके घर में, आपके हृदय में, आपके आसपास विद्यमान है। माँ हर समय आपके साथ है। तो आइए जानते हैं सबसे पहली चीज। जब आपका हृदय सदैव माँ की भक्ति के लिए आतुर होता है, आप हर समय माँ के ध्यान में होते हैं, नित्य रूप से माँ की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और कोई भी रुकावट आपके भक्ति के मार्ग में रोड़ा नहीं डाल सकती। और न सिर्फ पूजा के समय बल्कि हर समय हर क्षण माँ के प्रेम में डूबे होते हैं, उनकी भक्ति को, उनकी कृपा को अनुभव करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति के घर में माँ साक्षात विद्यमान होती है। दोस्तों, क्योंकि ईश्वर की भक्ति जो है वो दैवीय कृपा से प्राप्त होती है। माँ की कृपा के बगैर हम उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के हृदय में भक्ति का बीज माँ के आशीर्वाद से ही पड़ता है, अंकुरित होता है। और जब माँ की कृपा व्यक्ति पर होती है तो यही भक्ति का छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है जो न सिर्फ उस व्यक्ति का, उस भक्त का कल्याण करता है बल्कि उस व्यक्ति के आसपास रहने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के जीवन का भी उत्थान करता है, उनका कल्याण करता है। तो यदि आप नियमित रूप से माँ की भक्ति में हैं, आपका मन हर समय माँ की भक्ति के लिए लालायित रहता है, आतुर रहता है और बड़ी से बड़ी बाधा भी आ जाए, आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, कोई भी परेशानी आए, आप माँ की भक्ति के लिए समय निकालते ही निकालते हैं, तो समझिए साक्षात माँ आपके हृदय में, आपके घर में निवास करती है। दूसरा संकेत कि माँ आपके घर में निवास करती हैं, आपके हृदय में निवास करती हैं, कि जिस व्यक्ति पर माँ की कृपा होती है तो वो जब भी माँ की भक्ति में होता है उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं, बिना किसी कारण, अकारण ही। ऐसा नहीं कि उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, शरीर में रोंगटे खड़े होने का अनुभव होता है और आंसू इस कदर बहते हैं जैसे अपने प्रियजनों से बिछड़ने पर, उनकी याद आने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी प्रकार माँ की भक्ति में जब आपकी आंखें भर आए, आपका हृदय माँ के लिए व्याकुल हो जाए, अकारण ही माँ के लिए आंखें भराएं, तो ऐसे व्यक्ति के घर पर माँ साक्षात विराजमान होती है। दोस्तों, जब मीरा भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। और जब भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि भगवान प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, तब शिवजी ने उत्तर दिया था कि जब सती के रूप में तुमने अपने प्राणों का त्याग किया और मुझसे दूर चली गई थी, तब तुम्हारे वियोग में मेरे नेत्रों से जो अश्रु धारा निकलती थी यही प्रेम है। और फिर पार्वती के रूप में तुम्हारा फिर से जन्म लेना और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए विवश कर देना और मेरा विवश हो जाना, यही प्रेम है पार्वती। तो यही प्रेम जब आपको माँ के लिए महसूस हो अपने हृदय में और आपकी आंखों से माँ की भक्ति में आंसू बहने लगे, तो समझिए माँ की असीम कृपा है आप पर। तीसरा संकेत कि माँ की ऊर्जा वो साक्षात आपके घर में विद्यमान है, कि आपके घर में सभी प्रेम भाव से रहना शुरू कर देते हैं।
घर के सदस्यों में आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा समाप्त होने लगते हैं, नकारात्मक भाव समाप्त होने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग और स्नेह की भावना पैदा होने लगती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और घर के लोगों का दृष्टिकोण भी सकारात्मक रहता है। और वैसे भी जहाँ प्रेम नहीं है, हिंसा है, क्रोध है, लड़ाई झगड़ा है, वहाँ तो माँ का वास हो ही नहीं सकता। मीराबाई को जहर दिया गया था लेकिन असरहीन हो गया था। ध्रुव को पहाड़ की चोटी से गिरा दिया गया था, फिर भी वो बच गए। प्रहलाद को आग के शोलों के बीच में बैठा दिया गया था, फिर भी प्रहलाद बच गए थे, सुरक्षित रह गए थे। तो ये सब क्या? ये सब प्रेम भगवान के प्रति आस्था और उस प्रेम की शक्ति का ही चमत्कार था जो ये सब चीजें हुई। तो संत जन कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम होता है, जो लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, इन द्वेषों से दूर रहता है, वही व्यक्ति ईश्वर भक्त हो सकता है और ऐसे व्यक्ति के घर साक्षात ईश्वर विराजमान होते हैं। चौथा संकेत माँ की कृपा का है कि जिस व्यक्ति पर माँ की कृपा होती है उसे अपनी भक्ति पर अटूट विश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दृष्टा भाव में रहता है, कितनी भी परीक्षाएं जीवन में हो अडिग रहता है, जीवन का हर फैसला माँ पर ही छोड़ता है, जीवन में जो घटित हो रहा है उस पर प्रश्न खड़े नहीं करता और फिर माँ भी किसी न किसी रूप में अपने भक्त की लाज रखती है, उसकी रक्षा करती है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण में द्रौपदी की लाज रखी थी। क्योंकि दोस्तों दृढ़ विश्वास ही भक्ति का आधार है। ऐसा विश्वास कि हम ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना तो करते हैं क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं माँ के, तो माँ के अलावा एक बच्चा कहाँ जाए। हम अपनी ज़रूरतें माँ के आगे रखते हैं लेकिन माँ कितना दे रही है, कब दे रही है या नहीं दे रही है, इस पर प्रश्न नहीं खड़े करते, इस पर शंका नहीं करते, बल्कि सहर्ष जो भी माँ दे रही हैं उसको स्वीकार करते हैं। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही रोचक कथा है विश्वास की शक्ति के ऊपर कि एक संत थे, वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। उनका नित्य नियम था कि शाम के समय वो पहाड़ियों में घूमने निकलते थे, पास ही बहुत पहाड़ियाँ थी, और अपने प्रभु का भजन करते हुए वो भ्रमण के लिए रोज़ निकलते थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा कि बाबा आप हर रोज इतनी ऊंची पहाड़ियों पर घूमने निकलते हो, वहाँ बहुत गहरी खाइयाँ भी हैं और आपको आँखों से दिखाई नहीं देता, क्या आपको डर नहीं लगता? तब बाबा ने कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो मुझे बताना, ऐसे बाबा ने अपने शिष्य से कहा। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई शिष्य ने अपने गुरु को कहा कि बाबा गहरी खाई आ चुकी है। तब बाबा ने कहा कि अब मुझे इसमें धक्का दे दो। अब शिष्य सकपका गया, उसने कहा बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो नरक का भागी बनूंगा। बाबा ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है और यदि तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो तो तुम नरक के भागी बनोगे। शिष्य ने कहा कि बाबा मैं नरक भोग लूंगा लेकिन आपको इस खाई में हरगिज नहीं धकेलूंगा। तब बाबा ने शिष्य से कहा कि जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो भला मेरा मालिक मुझे खाई में कैसे गिरने देगा, उसे गिरेवों को उबारना आता है, गिराना नहीं आता, वो पल पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होता है उस पर। तो दोस्तों यही विश्वास जब एक भक्त के हृदय में अपनी माँ के लिए होता है तो समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा की असीम कृपा ऐसे भक्त के ऊपर है। पांचवां संकेत जो माँ की कृपा का है कि जब एक भक्त के हृदय में, भक्त के घर में माँ विराजती है तो मानवीय गुणों का विकास ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। क्योंकि माँ की भक्ति में जब व्यक्ति होता है तो सारे नकारात्मक भावों का क्षय हो जाता है, प्रेम और सहिष्णुता की भावना व्यक्ति के हृदय में पैदा होती है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से बहुत से मानवीय गुणों का विकास होता है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, दूसरों के दुख तकलीफ उसे नजर आते हैं, उसे महसूस होते हैं, वो नेक काम करने में विश्वास करने लगता है। नेक काम का मतलब है भगवान के कार्य को करना और जो इंसान इस कार्य को करते हैं वो माँ के प्रिय बन जाते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भोलेनाथ, इन सभी भगवानों ने लोक हित के लिए, तीनों लोकों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो जब कभी दूसरों के दर्द को देखकर वो दर्द आपको महसूस हो,
फिर चाहे वो प्राणी एक इंसान है या कोई निरीह जानवर, जब दूसरों के सुख में आपको सुकून मिले और दूसरों की सफलता में आपको खुशी मिले, तो समझिए माँ की असीम कृपा आपके ऊपर है। छठवां संकेत जो है माँ की कृपा का, कि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण पैदा हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की तरफ हर कोई सहज ही आकर्षित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखने में बहुत सुंदर है या बहुत उसका चेहरा बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं, लेकिन उसकी जो आभा मंडल होता है, उसकी जो ऑरा होती है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी दिव्य ऊर्जा से भरपूर हो जाती है कि लोग सहज ही ऐसे व्यक्ति के पास रहना पसंद करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं और ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं। ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि जानवर भी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के वाणी में आकर्षण और एक वाक सिद्धि ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। कई बार बोली भी वाणी सत्य हो जाती है और भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी ऐसे व्यक्ति को हो जाता है जिस पर माँ की कृपा होती है। तो दोस्तों, अगर ये संकेत या इनमें से कोई भी संकेत आपके जीवन में घटित होते हैं, आपके ऊपर घटित होते हैं, तो समझिए माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर है और साक्षात माँ आपके घर में निवास करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।